परम शांति बाबू जी, आज हम बात करेंगे एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में, जो कि एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के नाम से बहुत फेमस है। और विकिपीडिया डॉट ओ आर जी जो वेबसाइट है, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन रहती है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अलग अलग धर्मों ने, बहुत सारे देशों के जो विशेष जो आत्माएं हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें इसके अंदर बताई है। और 62 रेफरेंस उसके अंदर दिए गए हैं, और अलग अलग दुनिया भर में, वेस्टर्न में, बाइबल में, एंशंट इजिप्ट में, चाइना में, इंडिया में, जापान में, हर हर देश में से इसके ऊपर बुक लिखी गई है कि ये पॉसिबल है। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है, क्या ये जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, क्या ये कलयुग में भी पॉसिबल है? और मैं इसके साथ थोड़ी सी एक बात और भी बताना चाहूँगा कि जो 7 ऋषि की बात हमारे यहाँ बताया कि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, तो कई बुकों में ऐसा भी मिला है कि वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जो है वो ट्रैवल कर सकते थे। तो आप बताइए, क्या ये पॉसिबल है? देखो, अभी पहले बता दूं जी कि सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कलयुग में पॉसिबल है या नहीं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात मगर देखो, 4 युग होता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जी, कलयुग, ये 4 युग तो धरती पर होते हैं ना। बिल्कुल ठीक बात। उससे ऊपर जो होता है, जैसे भूलोक से ऊपर जाओ, भूलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर ऊपर कलयुग नहीं होता, इससे ऊपर में कलयुग नहीं होता। अच्छा, ये तो बहुत कलयुग बड़ी तो बात धरती है। पर होता है ना, ओके, घर धरती पर ही 4 युग होता है। ठीक बात है आपकी। देवता लोक में कलयुग नहीं होता, स्वर्ग लोक में नहीं होता, इसे ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी में या जी विष्णुपुरी में, शिवपुरी में या परमधाम में कोई कलयुग नहीं होता। समझ में? अब उसकी कैटेगरी थोड़ी डाउन होती है बिल्कुल जब ब्रह्मांड का समय जब बहुत बढ़ जाता है। जी और दूसरी बात बताई कि अभी जो ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र है, जी जी जो अभी हम सप्तऋषि। सप्तर्षि ऋषि रात को आकाश में देखे तो 7 तारे दिखाई देते हैं, हाँ बिल्कुल, 4 स्क्वायर में और 3 लंबे, ऐसे 7 सप्तर्षि आप जानते होंगे हिंदू लोग। हाँ तो उसकी थोड़ी कहानी बता दूं कि सप्तर्षि, जब ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा 7 ऋषि बनाए ठीक है। और 7 ऋषियों द्वारा सारा ये ब्रह्मांड का सृजन किया उसने, और ब्रह्मांड के 7 ऋषियों ने 7 लोक बनाए और 7 लोक से फिर बाद में भूलोक बनाया लास्ट में। तो जो सप्तर्षि थे वो आज स्टार में चले गए, स्टार बन गए। क्या बन गए? स्टार बन गए। इसलिए तो हम स्टार के रूप में जानते हैं उसको। जैसे आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊं कि जो प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप का पुत्र था ना, कौन था हाँ वो हाँ वही था, प्रहलाद, वही था, वो उसको भगवान विष्णु ने उसको बचाया था। बचाकर उसको बोला कि तेरे को स्टार बना दिया। तो स्टार आज भी ध्रुव का ध्रुव तारा है तो वो अचल है, घूमता नहीं है, वहां हमेशा तारा। दूसरे तारे घूमते मगर वो घूमता नहीं है, हमेशा एक जगह पे दिखाई देता है, हाँ, राइट ऐसा बोला है। राइट राइट तो ध्रुव को भी स्टार बना के दिया होगा ना, पहले तो स्टार हाँ नहीं था, ध्रुव नाम का स्टार नहीं था, बिल्कुल। मगर उसको बना के दिया ना स्टार। मगर हम स्टार को, अकेले स्टार को नहीं देंगे, स्टार होगा तो उसके पास सारी ग्रह उपग्रह सब होगा ना, जैसे सोलर सिस्टम होगी ना, स्टार माना। तो राइट 7 ब्रह्मा, जब ब्रह्मा के पुत्र भी धरती पर अपना कार्य पूरा करके वो स्टार बन के वहां चले गए ना गैलेक्सी में, तो वो तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी ट्रैवल कर सकते थे। हाँ। तो मैंने पहले पुराने वीडियो में भी बताया हुआ है राइट कि जैसे एक शिव परमधाम में जब जाता है, एक आत्मा परमात्मा बन जाती है, ठीक है तो वो शिव बन गया। ठीक तो है एक शिव महाशिव के पास जाती है, जो जी गैलेक्सी का मालिक है महाशिव, ठीक है ब्रह्मांड का मालिक है शिव, ठीक है तो वो गैलेक्सी तक तो जा सकता है शिव, आत्मा परमात्मा बन गई। मगर ये कौन जा सकता है? देखो, ट्रैवल करना वैक्यूम में, आकाश में, अंतरिक्ष में ट्रैवल करना, वो तो ये भूलोक से जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है और उसका संकल्प, दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे अब ये धरती पर जन्म नहीं लेना, मनुष्य अवतार में जन्म नहीं लेना ठीक है और मुझे ऊपर की दुनिया में जाना है, उसका लक्ष्य होता है, जीते जी वो चाहता है, या मुझे चलो शिवपुरी जाना है, या विष्णु को मानता है तो मुझे ऊपर जाना है, विष्णुपुरी में जाना है, वैकुंठ जाना है, जी शिवपुरी में, परमधाम में जाना है। तो उसका जो ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य होता है, मगर ऐसी आत्माएं कितनी होती है, कोटों में कोई, करोड़ों में कोई आत्मा ही ऐसा सोचती है। जाना तो ज्यादातर चाहती मुझे वैकुंठ जाना है या परमधाम जाना है, क्योंकि ये कॉमन शब्द हो गया ना ज्ञान मार्ग में राइट कि परमधाम में हूं। बाबूजी, आज तक तो किसी को ये अनंत गैलेक्सियां हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल यूनिवर्सिस है, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। ये तो साइंस ने अभी कुछ सालों के अंदर ये बोलना शुरू किया है।
तो अब जब सोचा है तो आइडिया आता है कि हाँ भाई हम वहां भी जा सकते हैं। वो साइंस भी जो डेवलप हो रहा है किसके लिए है? अभी 50-100 सालों में जो डेवलप हुआ है, आज तक इतना कभी भी नहीं डेवलप था। तो ये ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊपर से स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नीचे उतार के इंस्पिरेशन देकर साइंटिस्टों से काम करा रहे हैं। ये पहले पुराने वीडियो में भी मैंने बोला हुआ है। तो इसमें मगर ये नई बात कुछ नहीं है, पुराने हमारे शास्त्रों में है कि ट्रैवल जो करते थे, चाहे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने वाली, देवी भागवत पुराण में भी बताया है कि माँ देवी ब्रह्मा को लेकर कई ब्रह्मांड में उसको दिखाया कि उसके जैसे अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मा दिखाए, विष्णु दिखाए, शिव दिखाए, अनेक सिमिलर सिमिलर ब्रह्मांड बताए उसने। आपने महाभारत के बारे में भी बताया था। हाँ, महाभारत में जैसे, हाँ वो गुरु द्रोण की बात समझो। बोलिए। तो गुरु द्रोण जो है कि जैसे उसको मारना असंभव था, क्योंकि तो कोई सीधी तरह तो उसको मार नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने क्या सिखाया कि जब जो मारने के लिए अगर कोई झूठ बोलना पड़े तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि जो दुर्योधन के पक्ष में जो लड़ाई कर रहा है वो असुर है, चाहे कोई भी हो, असुर को सहयोग देना असुर की लिस्ट में आता है। तो कृष्ण तो जानते थे ना, युक्ति युक्त विनाश करना है, कैसे विनाश? सीधी तरह कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ऐसी गुजराती कहावत है। तो कृष्ण ने दुर्योधन को और उसको मारने द्रोणाचार्य को मारने के लिए उसने सजेशन दिया तो युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, मगर उसको बोला कि तू युधिष्ठिर को मतलब डिप्रेशन में लाने के लिए तू ये शब्द बोल कि अश्वत्थामा मर गया, हताहत है। अर्थात मतलब वही कि अश्वत्थामा मर गया। हाँ, मगर वो नरो, फिर बाद में युधिष्ठिर ने क्या बोला, नरो वा कुंजरो वा, धीरे से वो बोला। हाथी भी है, वो हाथी भी हो सकता है या मनुष्य भी हो सकता है। राइट। तो जैसे उसने द्रोणाचार्य ने सुना तो वो डिप्रेशन में आ गया, हताश हो गया, और हताश रह के अपने शस्त्र छोड़ दिए, और वो अपनी आत्मा, वो उसमें आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा में आत्मा निकाल के बाहर अंतरिक्ष में ट्रैवल करके उसने पूरी वो छान स्वर्ग में मारी, गया। स्वर्ग में गया कि उसने हाँ, अगर, वो क्योंकि अपने लड़के के यहाँ। उसका लड़का अगर मर जाता तो स्वर्ग में ही जाएगा। तो उसने सारा स्वर्ग को छान मान मारा, और वापस जब तक आए तब उसकी बॉडी में कॉन्शियस नहीं रहा, तो तब तक उसने वो किसी ने मार डाला उसको। दृष्टद्युम्न करके था हाँ, कोई। जो धूम उसको मारने के लिए पैदा हुआ था, वो हाँ, द्रौपदी का भाई था ना, क्या नाम, वो अग्निकुंड से निकला था, ओके। मेरे ख्याल से वो अग्निकुंड से निकला था द्रौपदी के साथ लेकिन उसका मेन भाई। चीज ये है कि उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल उस समय किया था हाँ, महाभारत तो के साथ। द्रोणाचार्य ने किया था वो तो, हर जो ऋषि मुनि थे हमारे, मैं बताऊं आज भी हमारे हिमालय में जाओ या बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, ये जब एक गुफा में पैक होकर बैठ जाते हैं तो वो स्थूल शरीर को निकालकर सूक्ष्म जगत में जाकर चक्कर, पूरी धरती पे चक्कर मारकर वापस फिर अपनी बॉडी में आ जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, पर काया प्रवेश भी कर सकते हैं, भारत के शास्त्रों में लिखा है पर काया प्रवेश। तो दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे उसने नहीं किया था, शंकराचार्य ने अभी 1500 साल पहले किया था परकाया प्रवेश। शंकराचार्य ने जब वो हारने लगा, जब वो उसकी ज्ञान की चर्चा चल रही थी, उसमें एक औरत ने उसको हरा दिया, क्योंकि शंकराचार्य था सन्यासी, उसको गृहस्थ आश्रम का अनुभव नहीं था, इसलिए उसको औरत ने गृहस्थ आश्रम की प्रश्न पूछा था, वो उसका अनुभव नहीं था तो क्या जवाब देगा। इसलिए उसने क्या किया, एक राजा मर गया था, उसने अपनी बॉडी में से निकाल कर राजा की परकाया प्रवेश किया, और राजा की बॉडी में काफी टाइम रहा, फिर गृहस्थ आश्रम का अनुभव लिया, फिर बाद में उसने वो जीत गया। तो परकाया प्रवेश तो कॉमन चीज होती है, आज भी भूत प्रवेश करते नहीं बोलते हैं, ये तो कॉमन चीज हो गई आजकल। तो ये ट्रैवल, मगर कौन सी ट्रैवल, तुम्हें क्या एक ये धरती पर घूमना है, ये धरती के अंतरिक्ष में घूमना है या देखिए बाबूजी, दूसरे? मैं प्रैक्टिकल ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम एस्ट्रल ट्रैवल, जैसे आप कई बार हमें बताते हैं कि आप अपने योग में यहाँ से आप ऊपर जाके ऐसे अनंत गैलेक्सियाँ देख सकते हैं समाधि अवस्था में जाके, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस समय हमारी आत्मा की क्या स्टेज होती है? क्या हमारे थॉट्स ट्रैवल करते हैं, या हमारा सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है, या हमारा कारण शरीर ट्रैवल करता है, या हमारी सोल ट्रैवल करती है? देखो, आत्मा की स्टेज उस टाइम पर क्या होनी चाहिए, पहले एक बात बता दो, ये कब बनता है और कौन कर सकता है? जैसी तरह मैं समाधि अवस्था में जब जाता हूं तो आम ऋषि मुनि भी पहले समाधि अवस्था जाते हैं ना, राइट, वो तो मगर जाते हैं। उनकी समाधि अवस्था में मैंने ये पढ़ा हुआ है हिंदू शास्त्रों में
कि ऋषि मुनि की जो समाधि अवस्था होती थी वो क्या करते थे, तो उसकी जो पूरा सात सात सारे चक्र खुल जाते थे, मूलाधार चक्र से लेकर आग्नेय चक्र में आत्मस्वरूप में आ जाते थे, और आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने जो इष्ट देव को याद करते थे या जिसको याद करते थे उसको याद करते करते उसमें उसी के अंदर खो जाते थे, उसी के रूप को याद करते करते उसी वो उसी में मय हो जाते, लवमय हो जाते थे। ठीक है, उसको अलग अलग स्टेज बताया गया, आत्मा की अलग अलग स्टेज है। तो अग्नि चक्र से ऊपर जब स्टेज अच्छी बनती है तो उसका सहस्त्रागार खुल जाता है, और समाधि अवस्था में हिंदू शास्त्रों में कई ऋषि मुनियों ने अपना अनुभव लिखा है कि जब सहस्त्रागार कोई भी आत्मा का सहस्त्रागार की स्टेज बन जाती है, सहस्त्रागार खुल जाता है, तो सहस्त्रागार में जितने सेल है इतने ब्रह्मांड है, तो हर सेल खुल जाता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तुम खुद जाके ट्रैवल कर सकते हो। ओके, तो ये ऋषि मुनि जब सहस्त्रागार में चले जाते थे तो उसकी आत्मा दशम द्वार, उससे ऊपर है वो दशम द्वार में आत्मा निकलकर पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूम फिर कर आकर वापस प्रवेश कर सकती थी, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कनेक्शन रख सकती थी, और इससे भी वापस आएगा तो आग्नेय चक्र में आया, आग्नेय चक्र नीचे चक्र में आ गए तो देवान में आ गया। तो ये देहभान से परे जाना ये समाधि अवस्था है। क्या है? देहभान से परे जाना। मगर ये कौन कर सकता है? जैसे ऋषि मुनि है, ये जब जंगलों में गुफाओं में अकेले चले जाते थे, ये साधारण ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते थे। बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनि होते थे जिनको पूरा तीनों कालों का ज्ञान होता था, जिसको अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान होगा, पूरा पहले तो ज्ञान होता है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान है ये, हर मतलब शिव महाशिव प्रलय सारा ज्ञान होता है, मतलब वेदों उपनिषद से भी परे का ज्ञान होता है, परम ज्ञान जो उनके पास परम ज्ञान आता है, वो परम ज्ञान जब आत्मस्वरूप की स्टेज में आज्ञा चक्र जब खुल जाता है ना, जब आत्मा का आज्ञा चक्र खुलता है तब उसके अंदर आत्मा के अंदर जो वो जब पहले तो जो ज्यादातर ये मानने वाले शिव को मानते हैं, मैंने जब देखा है मेरा अनुभव है शिव को शिव निराकार को मानते हैं, और शिव को ही पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं और निराकार की आराधना करते हैं ज्यादातर, क्योंकि इनको पता है निराकार के पास ही पावर है, किसी साकार के पास पावर नहीं होता। हाँ, ये तो ठीक। इसलिए वो परम धाम में निराकार को याद करते करते जब उसका आत्मा का चक्र खुल जाता है तब आग्नेय चक्र खुल जाता है तो फिर सहस्त्रागार में पावर आता है, ऊपर से निराकार को कनेक्शन करने से पावर हाउस से कनेक्शन होता है तो पावर आता है, और पावर आया तो उसकी आत्मा निकल कर सीधी ये परम धाम में चली जाती है। कहाँ चली गई? परम धाम। तो परम धाम में आत्मा जाती है तो वो आत्मा की स्टेज बन गई, वो आत्मा बन गई परम प्रकाश की, कैवल्य आत्मा बन गई, निराकार बन गई, उसका शरीर नहीं रहा। तो इस ब्रह्मांड के परम धाम में जाती होगी, इस ब्रह्मांड के परम धाम शिव के पास जाएगी ना, जहाँ शिव निराकार रहता है। ठीक है, शिवपुरी में भी नहीं, शिवपुरी में तो शिव शक्ति आकारी रूप में रहते हैं, राइट, सीधे परम धाम में नहीं। देखो परम धाम और शिवपुरी में क्या फर्क है ये पहले समझ लो, कि जैसे धरती ये ब्रह्मांड के 14 लोक बताए ना, धरती से ऊपर 7 लोक, धरती से नीचे 7 पाताल लोक, 14 भुवन का स्वामी शिव है। तो शिवपुरी में निराकार नहीं रहता, शिव शक्ति आकारी रूप में रहकर पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, जिनको हम भगवान शंकर नाम से शिव का अवतार धरती पर होता है, अवतार है वो शंकर है, शिव का अवतार शंकर है। लेकिन जो शिवपुरी है, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी, तो शिवपुरी में शंकर रहेगा या शिव रहेगा? शंकर तो हिमालय में रहता है। ओके, समझ में आया? मगर वो भी तो शिव का ध्यान धरता है ना, किसका ध्यान धरता है? वो तो बात, वो भी समाधि अवस्था में किससे पावर लेता है? तो फिर परम धाम में कौन रहता है? अगर शिव परम धाम में शिव निराकार रहता है तो फिर शिवपुरी में कौन रहता है? शिवपुरी में शिव शक्ति आकारी रूप में रहते हैं। अच्छा, वो निराकार है। ओके, तो एक आकारी रूप वहां रहता है और साकारी रूप शंकर के रूप में हिमालय पे रहता है। देखो साकारी रूप शिव का रूप साकारी रूप हिमालय में रहता है। ओके, और आकारी रूप शिवपुरी में रहता है। ओके, और निराकारी रूप परम धाम में रहता है, निराकारी आकारी। और कई बार मुझे कई लोगों ने पूछा, पर मैंने कहा जब समय आएगा बाबूजी से क्लेरिफिकेशन ले लेंगे। लेकिन अब बात बताइए कि आगे जब वो परम धाम में पहुंच जाती है, वो शिव प्रकाशमय स्वरूप बन जाती है परम, उस आत्मा जीव से शिव बन गए ना। ठीक है, जीव से शिव बन गए। तो शिवपुरी में जाने के बाद उसके आत्मा में ज्ञान आ गया, वो ज्ञान स्वरूप बन गए, निराकार के अंदर वो ज्ञान स्वरूप आती है, पूरा ज्ञान आ गया ना। ठीक है, परम धाम में जो ज्ञान है वो ज्ञान का सागर है वहां, तो उसके अंदर फिर जो वो शिव बनकर फिर महाशिव को जान सकता है। अच्छा, तो वो एस्ट्रल मतलब दूसरे गैलेक्सी में क्या लेने जा रहे थे, क्या घूमने जा रहे थे वो?
नहीं, फिर उसको इच्छा होती है कि मैं महाशिव को मिलूं। ओके, महाशिव को मिलने जाता है। महाशिव को मिलने के लिए वो एस्ट्रल वो गैलेक्सी में जाता है, गैलेक्सी से सेंटर पॉइंट में महाशिव रहता है। ओके, वो भी ऐसे भी सी परम प्रकाश का निराकार भी महाशिव है, महापरम धाम है। और शिव शक्ति महाशिव महाशक्ति आकारी रूप में साइड में है। और महाविष्णु है, महाब्रह्मा है, महाइंद्र है, महा महान आत्माएं वहां रहती है। राइट, महाशिव की कैपेसिटी की महान आत्मा है। ठीक है, तो वो जाएगा फिर तो वो कैसे जाएगा, निराकारी बन के वहां पहुंच जाएगा। मगर कभी कभी आत्मा अकेले नहीं जाती, परम धाम में भी कई आत्माएं होती हैं। तो एक कैटेगरी की आत्माएं जब बन जाती है, उसकी सबकी एक इच्छा होती है चलो हम महाशिव को मिलने जाए जी। तो निराकारी अवस्था में वो परम तत्वों का एक विमान बनाते हैं और सब परम तत्वों के विमान में बैठकर वो जाते हैं। मगर वो निराकारी अवस्था में बैठकर जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। ओके, अगर वो परम तत्वों का प्लेन बनाकर आकारी रूप में जाएंगे तो टाइम लगेगा। वन काइंड ऑफ यूएफओ जैसा होगा। यूएफओ हो गया ना, वो परम तत्वों का यूएफओ बन गया। तो सब शिव बैठ गए अंदर। राइट, पहले तो जीव से शिव बने, शिव बैठ गए बने गए और महाशिव के पास गए, महाशिव से बहुत पावर लिया। फिर उसको महाशिव समान बन गए तो उसके अंदर ज्ञान आ गया, वो महाज्ञान आ गया। महाज्ञान तो साल लगते होंगे शिव से महाशिव बनने में, उसको तो उन आत्माओं को देखो तो अलग अलग प्रोसेस है उसकी। ओके, देखो एक नॉर्मल आत्मा है, एक नॉर्मल आत्मा की बात, वो ऋषि नहीं है। ये तो मैंने ऋषि की बात बताई कि वो तो एकदम पहुंच गया सीधा। राइट, बराबर। मगर वो कई अनेकों जन्म की जब तपस्या करता है ना, मनुष्य अवतार में अनेकों जन्म की तपस्या करता है। ओके, और हर बार उसकी बुद्धि शिव को पाने की होती है। राइट, अनेकों जन्म के तपस्या के बाद वो शिव तक पहुंचता है। एक जन्म की तपस्या नहीं से नहीं। सही बात है। कई बार वह शास्त्रों में भी हम ये जब ये पढ़ते हैं कि हजारों 10-10 हजार साल तक एक ऋषि अगर तप करता है तो क्या सोच के या क्या लेने के लिए वो करता होगा आज हमें केवल 10 हजार साल नहीं, कई युगांतर तक। हाँ, कई युगांतर तक, मतलब जितनी उनको पता भी नहीं होगा कौन सा युगांतर चलता है। ओके, तो ऐसे मगर आम इंसान की प्रोसेस क्या होती है, ये तो ऋषि मुनि की होगी। जब समझो कि आज कोई मनुष्य है, उसको ट्रैवल करना है, क्या बोलते हैं एस्ट्रल ट्रैवल, अंतरिक्ष में ट्रैवल करना है, अंतरिक्ष में घूमना है, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है मैं बता दूं। जब आत्मा मनुष्य आत्मा को एक होता है कि मुझे मनुष्य जन्म नहीं लेना, जन्म मरण के चक्र में नहीं आना है और मुझे शिव के पास जाना है, ये लक्ष्य होगा। क्या होगा, मुझे परम धाम में जाना है, ये लक्ष्य होगा। तब जब आत्मा मरती है तब अंत मति सो गति, क्या होता है अंत मति सो गति, आत्मा में बुद्धि में, मति मना बुद्धि, शरीर छोड़ते वक्त जो बुद्धि में होगा उसी टाइम ऐसी आत्माओं की गति और सदगति होती है या दुर्गति होती है। राइट, तो पहले कई आत्माएं बहुत पावरफुल होती हैं, अच्छे कर्म किए थे, बोलते हैं स्वर्ग में से मेरे को लेने के लिए विमान आया, देखो। कई बोलते हैं देखो वैकुंठ से मेरे पास भगवान विष्णु ने मेरे को प्लेन भेजा, विमान आया, हाँ वैकुंठ जा रहा हूं मैं। जीते तो महान आत्माएं होती है अनेकों जन्म के पुण्य के प्रताप से, ये आत्माएं ऐसी आत्माएं होती हैं तो जीते जी बता देते कि इतने टाइम पर मेरे को प्लेन आएगा, विमान आएगा, मैं वैकुंठ जा, डायरेक्ट वैकुंठ जाऊंगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाऊंगा। मगर आम आदमी जिसने कई जन्मों को तपस्या नहीं की है मगर एक ही जन्म में तपस्या करके उसको ट्रैवल करना है तो कैसे जाएगा। तो शरीर छोड़ने के बाद जब विकारों में मोह नहीं होता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आत्मा का दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे जन्म मरण के चक्र में नहीं आना। राइट, तो गीता का ज्ञान पढ़ता है तो वो गीता के भगवान को याद करता है। राइट, तो गीता को भगवान को याद करते 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 तो परम धाम में वो बोला मैं परम धाम में हूँ, मुझे याद कर, परम धाम में मुझे याद कर, मुझे जान और मुझे याद कर, तो मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दे। तो चाहे कोई भी शास्त्र का ज्ञान हो तो अगर उसके अंदर मोह नहीं है, लोभ नहीं है, मोह होगा तो वो आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। उसको शरीर छोड़ती तो उसके पास तीन तत्वों का शरीर होता है। जब मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तब अंतवाग शरीर बोलते हैं, तो तीन तत्वों का शरीर होता है मगर तीन तत्वों का भारी शरीर होता है। मगर जब उसके अंदर वो शरीर छोड़ के ऊपर जाना है तो ऊपर जाने की प्रोसेस में आती है तब उसके फिर भी कर्म बंधन थोड़े आते हैं, तो तीन तत्वों में भारीपन होता है। मगर धीरे 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 ऊपर जाने का लक्ष्य होता है तो ऊपर दूसरे लोक में जाता है, भूभुर लोक में जाता है, तो वहां कई मनीषी होते हैं तो उसको रास्ता दिखाते हैं कि जा तीसरे लोक में, मगर बोले स्वर्ग में मत फंस जाना, मोह है स्वर्ग। तो मनीषी बता देते हैं, अच्छे अच्छे मनीषी लोग बैठे हैं। इसीलिए शायद शास्त्रों में ये भी लिखा है कि काम वासना और मोह ये दो चीज जो है वो ज्ञानी की वैरी है, मतलब ज्ञानी की दुश्मन है। इसलिए तो बोला ने नष्टो मोह स्मृति लब्धा,
जब मोह खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी स्मृति आएगी। कौन सी स्मृति आएगी? कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मस्वरूप की स्मृति आएगी, मैं एक आत्मा हूँ। देवान खत्म हो जाएगा, राइट। जब देवान खत्म हो जाएगा, मोह सबसे बड़ा विकार है। मोह देह और देह के संबंधों में मोह होता है, मरने के बाद बहुत मोह होता है, इसलिए फिर भूत बन के घर में बैठा रहता है। हाँ, आप देखते होंगे ना फिर। अच्छा बाबूजी, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन अब यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं हमारे सामने। आपने ये जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग की बात बताई, ये आफ्टर डेथ की बात बोल रहे हैं। तो आफ्टर डेथ क्या, मनुष्य पांच तत्वों में जा सकता है ऊपर? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या इस शरीर में रहते अगर इंसान एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि एक 1967 या 77 में एक इंगो स्वान करके जो एक थे, मतलब विदेश के थे इंसान, तो उनको ये सब ज्ञान था, तो उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग किया, ऐसा उसमें लिखा था ये wikipedia.org में। तो वो उन्होंने बोला कि मैं, मेरी जो सोल है वो जुपिटर तक ट्रैवल किया, वहाँ से वो वापस आया, और उसके बाद जो भी उसने देखा समझा जो भी है वो सबको बताया। फिर उसके ऊपर रिसर्च की गई, तो जिसने रिसर्च की उन्होंने बोला कि उन्होंने 37% जो बात बताई वो सही है, बाकी बातें सही नहीं थी। तो बात यहाँ पे आपसे समझने की ये है, क्या ये ह्यूमन शरीर से, क्या मनोमय शरीर से, कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से ये ट्रैवल पॉसिबल होता है? आप किस दृष्टि से ये सब यूनिवर्स को देखते हो? देखो, मैं तो जब समाधि अवस्था में जाता हूँ जी, तो ये चीजें मेरे लिए बहुत कॉमन होती है। फिर भी एक शुरुआत इससे करता हूँ, फिर आगे की बात बताऊंगा कि जब आत्मा स्वरूप अंतर्वाद शरीर के द्वारा ऊपर दूसरे लोक पे जाती तो उसकी बॉडी सूक्ष्म शरीर बदलता जाता है। पहले पर आप यहाँ से जब गए ऊपर, जब आपका थॉट गया, आपका सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर आत्मा जाएगी ना, मगर आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर होता है ना। तो फिर देखो, पहले पहले स्थूल शरीर में क्या होगा? फिर ये स्थूल शरीर में क्या होगा जब आप देखो, जब आत्मा, आप दो तत्व जल गए ना, जल और पृथ्वी खत्म हो गए। मनुष्य आत्मा में पांच तत्व है ना, और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कर्म बंधन तीन तत्वों का होता है। क्या होता है? तीन तत्वों में कर्म बंधन आता है। हाँ, तीन तत्वों में कर्म बंधन आता है। आत्मा के साथ कर्म बंधन तो आएगा ना, वो तो ठीक, कर्मातीत अवस्था तो नहीं बनी ना। बिल्कुल। अब जब कर्मातीत अवस्था नहीं बनती और उसको ट्रैवल करना है, अंतरिक्ष में जाना है, ऊपर जाना है, तो कैसे जाएगा? उसके साथ कर्म बंधन है, उसका कर्म बंधन ऐसा है कि उसको बार बार मनुष्य अवतार लेना ही पड़ेगा, कई कर्म बंधन है, मगर उसको नॉलेज है, ज्ञान है कि मुझे जन्म मरण के चक्र में नहीं आना, मगर मुझे ऊपर जाना है। तो दूसरे मनुष्य ही है, उसको कर्म बंधन तोड़ाने के लिए तपस्या करा है। नहीं बाबूजी, मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। मैं, आपका शरीर तो यहाँ है, मगर मैं मेरी बात बताऊंगा ना तो तुम, कोई भी संसार में मुझे कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो जैसे मैं योग लगाता हूँ, मेरा योग समाधि अवस्था अलग होती है, साधु संतों की समाधि अवस्था अलग होती, मेरी अप्रोच अलग है। जैसे मैं आत्मस्वरूप में स्थित होकर पूरी लाइट की बॉडी में हूँ, परम लाइट की बॉडी है मेरी, ऐसा महसूस करता हूँ, और मैं ऊंचते ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी को निराकार को याद करता हूँ। क्या करता हूँ? तो पूरा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार में अंदर, उसका आकारी रूप मुझे दिखाई देता है। क्या? ओके। निराकार के अंदर आकारी रूप उसका दिखाई देता है, और वो फिर वो पूरा ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ऐसे खरबों मल्टीवर्स मेरे को दिखाता है। वो खूब दिखाता है, बहुत अच्छी तरह दिखाता है। इतना देखिए, आपको बताऊं कि खरबों मल्टीवर्स से भी परे की दुनिया है उसका, तो तुम मतलब कोई सोच भी नहीं सकते, ऐसी दुनिया मुझे वो दिखाता है ऊपर वाला। और ये भी कहता है कि तू जाकर, तू मैसेंजर बनके तू सारी दुनिया को बता कि पूरा मल्टीवर्स को मैं चेंज करने के लिए मेरे कई रूप काम कर रहे हैं, हर गैलेक्सियों के बीच में काम कर रहे हैं, यूनिवर्स के बीच में काम कर रहे हैं, मल्टीवर्स बदल रहा हूं मैं। क्या? और ये कह रहा है कि तुम सबको खुल के बता कि क्यामत का दिन चल रहा है। क्या चल रहा है? क्यामत का, खुल के बता, डर मत। मगर मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी बात को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आत्मा, मनुष्य आत्मा इतनी तमोप्रधान बन गई है कि उसको मेरी बात के समझने की कोई शक्ति नहीं है। चले देखिए, इसलिए क्यामत का दिन तो चल ही रहा है। वो तो चल नहीं, क्यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से आया हुआ है, वो मतलब वो बात है। मगर मैं जो देखता हूँ कि मैं ट्रैवल की बात बताऊं कि मैं तो देखता हूँ कि एक यूनिवर्स है, दूसरे यूनिवर्स पूरे विमान में जा रहे हैं, पूरा ग्रुप जा रहा है, उसका विमान लाखों के साथ में बैठ के जा रहे हैं, पूरा यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में जा रहे हैं, ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जा रहे हैं।
ग्रेट यूनिवर्स वाले ग्रेट ग्रेट, मगर वो हाई क्वालिटी आत्माएं होती हैं। जैसे श्री महाशिव की बात नहीं, वहां परम महाशिव की नहीं, बड़ी 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 ऊंची हस्तियां होती हैं, परम 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 आत्माएं होती है। क्या होती है? परम 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 महान आत्माएं होती है। उसके अंदर उसकी बॉडी परम प्रकाश की बनी होती है, परम तत्व की नहीं, कारण जगत में होती है वो तो परम तत्व। जैसे इस ब्रह्मांड में जाओ या गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जाओ तो उनकी जो महाशिव की बॉडी होती है, परम महाशिव की बॉडी होती है, तो ये तो परम तत्व की होती है। परम प्रकाश की लो क्वालिटी होती है इसके पास। कौन सी? जो गैलेक्सी का मालिक महाशिव हो, परम महाशिव हो, यूनिवर्स का मालिक, उसकी जो आत्मा में जो पावर होती है, वो निराकार में जो पावर होती है, वो लो क्वालिटी परम प्रकाश है। क्या है? मगर जो तो ये अंतरिक्ष करते हैं, मैंने तो बहुत देखा है। मैं तो बताऊं, मल्टीवर्स के मालिक भी अंतरिक्ष में घूमते हैं। मल्टीवर्स के मालिक, जिसको मैं 100 कला की दुनिया कहता हूँ, ऐसी 100 कला की खरबों दुनिया है, और वो खरबों दुनिया के मालिक उसके ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, माना बेहद का रचियता, बेहद का मालिक, बेहद के विश्व का बाप, वो उससे डायरेक्ट में कनेक्शन करके वो मेरे को दिखाता है। मगर मैं इसकी बात आज तक इसलिए नहीं कर रहा, तो मेरी तो बात अलग है, मेरी समाधि अवस्था अलग है, ऋषि मुनि की समाधि अवस्था अलग है। अच्छा बाबू जी, जैसे आप छोटे थे तो आप अपनी बात बता रहे थे कि हाँ। जब आप 4 साल के थे, 5 साल के थे, तो जो दादी के बारे में आप बात बता रहे थे कि वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करती हैं। जो तेरी दादी जो थी, अब तेरी दादी के से पहले मेरी दादी की बात सुन, मेरी नानी, अच्छा मतलब मेरी तेरी दादी की मदर, ठीक है, तो उसके अंदर माँ जोगिनी जो होती है, जो योगिनी, उस पर जोगिनी शब्द वाला है, मैंने शास्त्रों में कहीं पढ़ा था, योगिनी, योगिनी माना जो हमेशा योगिनी, मतलब महान हस्ती होती है, ऐसी आत्माएं जो अंतरिक्ष में या जो हम कारण जगत कहते हैं, बहुत दूर वो कारण जगत में ऐसी देवियां रहती हैं, और वो जन्म धरती पर जन्म लेकर अच्छा कार्य करने के लिए आती हैं। उसमें से एक ही देवी है योगिनी, जोगिनी, जोगिनी कहते हैं गुजराती में, जोगिनी कहते हैं। तो जब जैसे मेरा नाना था, मेरा नाना और मेरी नानी, उसको किसी एक जो ओझा होता है, ओझा ने उसको वरदान दिया था कि जा तेरे पास जोगनी तेरे कुल में आएगी, मतलब अवतार लेगी। मेरी मेरे नाना को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने आगे बोला। फिर बाद में वो ये तेरी दादी जन्म हुआ तो वो बताते कि ये जोगनी तेरे घर आई है, मतलब ये तेरी जोगिनी जो है देवी स्वरूप में तेरे घर पर अवतार लिया है। तो तेरी दादी जोगिनी का अवतार था ऐसा मुझे पता है। तो वो जब मैं छोटा था तो पहले जो वो बातें करती थी, जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे कई बार बताती थी कि देख आज जन्माष्टमी का नवरात्रि का 8वां दिन होता था, तो बोलती कि ये जो सामने वृक्ष है उसमें देखना रात को 12 बजे पत्ते पत्ते दिया जलेगा, देखना। तो मैं रात को 12 बजे तक बैठा रहता था, फिर मेरे को दिखाई देता पत्ते पत्ते पर दिया जल रहा है, तो मेरे बोलता हाँ दिया जला देखा मैंने। फिर बोलता देख ये जो हम किराए के मकान में रहते थे उसमें 2 औरतें मर गई थी, उसके दोनों को भूत रहते थे। तो मेरी मौसी को एक लड़की पैदा हुई तो वो लड़की लेकर वो गायब हो गई, वो 2 भूत। फिर मेरी माँ को तो दिखती थी, तो मेरी माँ ने बोला चल वापस रख दे, नहीं तो जोगनी आएगी तेरे को, चल तो वापस रख गई लड़की। वो लड़की मेरी मौसी की बड़ी लड़की, वो बाद में गुजर गई। तो मेरी माँ को मैं पूछता तू किससे बात करती है, तो मेरी मौसी मानती थी ये भूतों से बात कर सकती है, तो बोले कि देख इसमें 2 भूत है तेरे को दिखाई देगा। तो मैं भी कभी कभी वो बोलती थी तो मुझे दिखता था। ओके। मगर बाद में फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि नेचुरल मुझे शक्तियां हैं, मैं भूतों को देख सकता हूँ। तो वो कई बार ये जैसे हमारा खेत था, तो खेतों में जब मेरी माँ नहीं जाती थी तो आसपास वाले खेतों में आकर बताते थे कि तू तो अभी खेत में थी, तूने घास का जो वो जो है वो पोटली, घास की पोटली तूने मेरे सिर पर चढ़ाई, तो तू तो यहाँ घर पे, बोले मैं आज खेत में गई नहीं, तूने मुझे कैसे देखी। तो कई बोलते थे हम, अरे मैंने तूने तो घास की पोटली मेरे सिर पर चढ़ाई, तू घर पे क्या कर रही है, तू मेरे पहले आ गई क्या, मतलब बोले मैं गई नहीं आज। तो वो जोगड़ी का रूप लेकर खेत में रहकर ऐसे हेल्प भी करती थी। और एक बार मेरी माँ बताती थी कि मैं अकेली खेत में थी और गुंडे आ गए हमारे खेत में, तो मेरी माँ ने कुछ गहने पहने हुए थे नवरात्रि के टाइम में, गहने पहन के खेत में गई थी, वो निकाले नहीं थे, तो गुंडे आ गए, तो गुंडों को जोगिनी ने ऐसा रूप दिखाया कि वो गुंडे वो उसकी खेत की जो वो होता है ना वो
भाग के भाग भाग गए, ऐसे भागे ऐसे भागे, तो कई रूप मैंने बहुत परिचय दिखाए हैं। एक बार एक बात बताऊं कि मैंने एक लड़का को, मैं जब यहाँ सीए की ट्रेनिंग कर रहा था तो लड़के को किसी की जॉब में रखा था मैंने, तो ये लड़का को किसी फाइनेंस कंपनी में जॉब में रखा श्रॉप के पास, तो लड़का बैंक से निकालने पैसा भेजा तो 40,000 लेके वो भाग गया। तो 40,000 लेके भाग गया तो इसकी इंक्वायरी हुई, पुलिस भी मेरे को अरेस्ट करने आ गए, तू भी तेरे अंदर इन्वॉल्व है, सारे मतलब स्टेटमेंट लेने आए। तो वहां मेरी माँ को पता लग गया, मगर मेरी माँ ने बोला कि तू चिंता मत कर, वो जो लड़का है, मेरी माँ ने बताया कि वो झोगड़ी ने उसको अंधा कर दिया, और जहां पैसा उसने दबाया था वहीं वो अंधा बन के एक उसको पागल जैसा बना दिया और एक जगह पे पड़ा रहा। पुलिस वहां पहुंची, उसने बता दिया, पैसा बता दिया सबको। तो वो झोगड़ी ने ऐसा काम करती है, तो कई देवियां करती, तो अंतरिक्ष में ट्रैवल, कई बार मेरी माँ बोलती थी कि देख ये झोगड़ी का रथ आ रहा है देख। अब वो सबको, मेरे परिवार में सबको कहते थे कि ये झोगड़ी माँ रथ लेकर आई है और मैं 3 दिन तक वो मुझे ट्रैवल ले जाएगी, रथ में बिठा कर ले जाएगी, मगर किसी को दिखता नहीं था वो रथ, वो दिव्य रथ होता था। तो वो उसकी आत्मा तो निकाल के झोगड़ी के साथ चली गई और उसकी डेड बॉडी जैसी रह जाती थी। तो 3 दिन कर हम उसके एक रूम में पैक करके रख देते थे बॉडी को, बोले जलाना मत, ऐसा मत समझना कि मैं मर गए, क्योंकि डेड बॉडी हो जाती, आत्मा निकल गई। तो वो कई 3 दिन के बाद जो वादा करके जाती है, तो बाबू जी ये शरीर फिर कैसे चलता है अगर आत्मा निकल जाती है तो डेड बॉडी जैसी रहेगी, मगर उसके अंदर वो क्या वो कोमा में चले जाते हैं उस समय में, ऐसा कुछ ऐसा है कि मैंने एक बार अनुभव जो किया है उसी स्टेज में जाकर, हर चीज का अनुभव कि जब कोई देवी देवता तुम्हें आत्मा को खींच कर तुम आत्मा ले जाते हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर जो होता है वो थोड़ा सा पावर आत्मा में छोड़ के जाते हैं। तो जैसे तुम कोमा में चले जाते हो ऐसे तुम्हारी ओरिजिनल आत्मा निकल जाती है, 90% एनर्जी उसके साथ चली जाती है, 10% एनर्जी सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है, तो कोमा जैसी स्टेज हो जाती है। तो कोमा में तो वो फिर आगे बता देती है, हाँ माँ जोगिनी में उधर पूरे ब्रह्मांड को घुमाया, इधर घुमाया, पूरी बातें बताती थी कभी कभी। तो ऐसे कई बार होता था, तो फिर परिवार ने बोला मेरे छोटे बच्चे हैं मुझे बार बार मत ले जाया करो, काम बहुत होता है, खेतों का काम होता है, भैंसों का काम, तबेले ये सब। तो ये बहुत बातें मैंने बचपन से ही देखी, मैंने छोटी सी उम्र में भूतों से बात की, खेतों में भूत रहते खेतों में, तो भूतों से भी बात करता, मगर मैं किसी को बताता नहीं था क्योंकि बात बताऊंगा कोई मानेगा नहीं दुनिया में। और जोगणी के बोले 64 जोगणी के रूप देखी इधर नवरात्रि में, नवरात्रि कर रहे हैं, तो मैंने देखा है सब। अच्छा बाबू जी, इसके बाद एक और बात दिमाग में आ रही है, वो है कि क्या ये जो हमने अभी 2 दिन नहीं 1 हफ्ते पहले जो मीडियम के ऊपर हमने वीडियो बनाया था कि मीडियम जो है वो क्या काम करते हैं, उसके ऊपर हमने पूरे डिस्कशन किया था, तो अब ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग और ये मीडियम के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या ये भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता है? देखो मीडियम मनुष्य में किसी में प्रवेश करके अच्छा या बुरा कार्य करती है, मनुष्य आधार को मीडियम बनाती है। जैसे वो जाए हैं, अच्छे कार्य करने वाले हैं, आज आप देखो तो कई अच्छे कार्य करने वाले, तो मीडियम कौन बनाते हैं? तो ये मीडियम मनुष्य का सहारा लेकर अच्छी आत्माएं काम करती हैं, मगर वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती, ये सूक्ष्म जगत में जाकर फिर उससे काम कराती हैं, या उसके जो जैसे मंदिर है, तो जैसे देवी देवताओं की आत्मा जिसका मंदिर है उसकी आत्मा भी वहां ही आसपास, उसको मानने वाली सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहां रहती हैं, और जो उसकी मन्नत मानते हैं वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उसकी मन्नत पूरी करते हैं, तो वो भी ट्रैवल करती हैं, मगर ज्यादातर ऊपर नहीं जाती, ज्यादातर इस मंदिर से दूसरे मंदिर ट्रैवल करके जाते हैं, तो ये भी ट्रैवल करती है, मगर उसकी ये धरती के 200 किलोमीटर की रेंज में। तो बाबू जी इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो हम नॉर्मल आत्मा है, जो जो भी सामान्य मनुष्य जब उनका मृत्यु होता है तो क्या वो भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग में ऐसे घूमती है, पर वो शायद यूनिवर्स क्रॉस नहीं कर सकते? ऐसा है कि जब महा जब पहली प्रोसेस एक अधूरी रह गई कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो नष्ट मोह की स्टेज होती है, ऊपर जाती है दूसरे लोक में, तीसरे लोक में जाती है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जीव से शिव बन जाता है, बहुत मेहनत के बाद पहुंचता है। नहीं ओके, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्मल आत्मा की, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको बस इस दुनिया में खा पी के मजे करने वाली आत्मा है, हम उनकी बात करेंगे कि वो कहाँ तक ट्रैवलिंग कर सकती है। वो तो हमारा जो धरती की जो ग्रेविटी है ना 200 किलोमीटर, हाँ हाँ वहां तक भी नहीं जा सकती,
उसको तो क्रॉस करना बाद में, वो तो वहां तक भी नहीं, 1 किलोमीटर ऊपर नहीं चेक कर सकती। उसका अंतर्वाक शरीर, सूक्ष्म शरीर इतना भारीपन होता है, इसमें वायु तत्व का भारीपन होता है। देखो वो ट्रैवल कैसे कर सकती है आत्मा, क्योंकि उसके अंदर मोह है। जो अपने लिए जीने वाला जो जानवर मनुष्य है तो मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, विकार भरे हैं आत्मा में। अरंत मतीशो गति, मरने के बाद तो विकार ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए या तो मोह के कारण घर में बैठी रहती हैं। पर ऐसा क्यों होता है बाबूजी, ये बाद में क्यों बढ़ जाता है ये? क्योंकि देखो मनुष्य आत्मा में 5 तत्वों में जो विकार होता है वो मनुष्य की शक्ति कमजोर हो जाती है। 5 तत्वों के कारण आत्मा की शक्ति कमजोर है, ठीक है। जब मनुष्य आत्मा से आत्मा मर जाती है तब 2 तत्व कम हो जाते हैं, जल और पृथ्वी, ठीक है। इसलिए 3 तत्व वाली आत्मा थोड़ा पावर ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए अंत मतीशो गति, इसलिए उसकी बुद्धि में अगर विकार है तो विकार आत्मा की एनर्जी के साथ मल्टीपल हो जाएंगे। इसलिए क्या बोला, अंत मतीशो गति, तो विकार, क्योंकि आत्मा की एनर्जी बढ़ी तो विकार भी बढ़ जाएंगे ना। समझ में, पहले विकार थे मगर मनुष्य था, ठीक है, और 2 तत्वों के भारेपन में उसकी शक्ति कम थी, इसलिए विकार कम थे। मगर जब मोह बढ़ जाता है, काम क्रोध, तो वो आत्माएं घर में ही बैठी रहती है, या इधर इधर एक घर दूसरी घर, ज्यादा ज्यादा मंदिर तक जा सकती, कहाँ, क्योंकि उसने मंदिर के बाहर की दुनिया देखी नहीं है, जा भी नहीं सकता। जैसे बाबूजी बीच में मुझे एक बात और याद आ रही है कि जो टीपी जोशुआ के कई वीडियो मैंने देखे हैं, तो जब वो किसी के अंदर जो जो भी दुखी होके उनके पास लोग आते हैं प्रेयर के लिए, तो उनके अंदर आत्मा होती है, तो टीबी जोशुआ बोलता है कि इसके अंदर सोल ऑफ एंगर है, सोल ऑफ लस्ट है, ऐसी आत्माएं इसके अंदर प्रवेश करके ये सब कर रही है। तो वो आत्मा जो है फिर बाद में खुद ही अपना इंटरव्यू खुद ही देती है कि मैं कब से आई इनके साथ, मैं क्या कर रही थी, और मैंने इतने मतलब जन्म से इसके साथ थी, या मतलब इतने अनुभव उसने, मतलब इतने लोगों के 1000 वीडियो उसने टीबी जोशुआ ने यूट्यूब पे डाले हैं। तो और ये देखने के बाद हमें ये लगता है कि देखिए ये स्पिरिचुअल साइंस के बारे में इस दुनिया में कोई खुल के नहीं बोलता है, जो भी बोलता है डर के बोलता है या किताब लिख के ख़त्म कर दिया, लेकिन कैमरे के सामने आके ये सब बातें बोलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है कि इस दुनिया को ये चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सत्य है। देखिए हर धर्म के अंदर ये हो रहा है, सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर झाड़ फूक का काम नहीं होता। आप मुसलमान धर्म में देख लो, क्रिश्चियन धर्म में देखो, वो तो चर्च में बैठ के करते हैं, वो तो मस्जिद में कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी मंदिरों में होता है। लेकिन बात ये है कि ये सब जो रियल साइंस है, इस दुनिया को ये पता चले, कब पता चलेगा, जब साइंस वाले प्रूफ देंगे। हालांकि आज के समय में अभी इनके पास कैमरे आ चुके हैं कि वो, जैसे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है भारत की, तो वो ऐसे उनको जब पता चलता है कि कोई हंटेड हाउस है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेके पहुंच जाते हैं, उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने जो लास्ट वीडियो था मीडियम का, उसके अंदर भी बताया कि वो मीडियम के अंदर जब आत्मा आती है, या जो वो रेडियो से डायरेक्ट बात करती है, वो तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बताई उसने कि जो आत्मा थी डायरेक्ट टेक्नोलॉजी रेडियो से बात करती है। हालांकि मतलब वो बहुत सुनने वाला वीडियो था, लेकिन हम यहाँ पे ये बात करना चाहेंगे कि अब ये परम सत्य जो है, जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ये सब बात दुनिया में बहुत, अगर साइंस इस पर तरक्की करे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज तक साइंस आत्मा को नहीं मानती, और पूरा हिंदू धर्म में जो ज्ञान दिया गया है वो आत्मा के कल्याण के ऊपर दिया गया है। देखो अभी बात बताऊँ जी, बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हुए, चाहे आईएसटी नो या बड़े बड़े जो हैं, इन्होंने हमारे हिंदू शास्त्र पढ़े। हाँ ये तो सही बात है, टीवी में बताया था, सभी बड़े बड़े लोगों ने माना है, एंसेंट एलियन में तो खुल के बोलते हैं, और सभी ज्यादातर साइंटिस्टों ने माना है कि देयर इज सम इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन होकर हमें रात को स्वप्न में हमें ये पिक्चर बनवाया, ये इन्वेंशन करवाई, या हमारे मैथमेटिक्स के वो बनवाया, क्या सॉल्यूशन कर दिया, सॉल्यूशन दिया, मैथमेटिक्स के इक्वेशन दिया। तो पुराने वीडियो में मैंने बताया है, तो जब तक ये मनुष्य आत्माओं की बात है और सूक्ष्म जगत की आत्माओं की बात है, उसमें जो कामी क्रोधी आत्माएं बन जाती हैं मरने के बाद, तो कामी तो आत्माएं किस में प्रवेश करेगी, तो काम मतलब जो आत्मा जैसी है, अंत मतीशो गति, शरीर छोड़ने के बाद वही आत्मा उसी में गति करती है, विकारी है तो विकार में ही जाएगी, उल्टा पुल्टा काम करेगी, दुख देने का काम करेगी। तो ये सब है, मगर क्या करेंगे, खुल के तो हम तो बोलते हैं सारी दुनिया में, ले आओ मीडिया वालों को, हम सबको बताएंगे, मगर कोई मानेगा नहीं ना, जो मानने वाले वो मानेंगे। आज हम कहते हैं कि जो आत्मा पागल क्यों हो जाती है, मनुष्य अच्छा था, एक अभी तो अच्छा था,
उसमें कोई आत्मा ने प्रवेश करके वो दूसरी आत्मा प्रवेश करके उल्टा पुल्टा बोलने लगे, तीसरी प्रवेश करके, चौथी प्रवेश करके, तो पागल बन गया, क्योंकि उसकी आत्मा पर दूसरी आत्मा ने कब्जा किया, दूसरी पर तीसरी ने कब्जा, तो एक एक आत्मा, एक एक मनुष्य शरीर में 14-14 घुसे हैं। हमने तो बचपन से ये सब देखा है, बचपन से देखा है। वो टीबी जोशवा के जो एक वीडियो था उसके अंदर बोला था कि 1000 डेमोन्स जो है उसके अंदर प्रवेश कर गए, 1000 से भी ज्यादा। जैसे मैं एक बात बताऊं, एक मनुष्य आत्मा के शरीर में अंदर कितने भी भूत घुस जाते हैं, कितने भी भूत, कितने, जैसे तुम्हारी बॉडी में सेल है तो वो भूत एक सेल बनकर सेल बन गया, उसकी आत्मा क्या बन गई, सेल बन गई, क्योंकि मनुष्य आत्मा तो अंत में जब गर्भ में होती है तो एक सेल ही होती है ना, एक सेल से ही पूरा शरीर बनता है ना उसका, सेल से ही बनता है ना शरीर। तो आत्मा वो भूत की आत्मा तीन तत्व, तीन तत्व सिकुड़ के निराकारी एक आत्मा सेल बन गए, तो ऐसे कई सेल प्रवेश कर जाए, कई आत्माएं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, तो सेल बनकर प्रवेश, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। अरे बाबू जी, जी न्यूज पे एक सीरियल आती थी काल कपाल महाकाल, हाँ हाँ, इसमें ये सब बातें बहुत बताई, लेकिन आखिरकार वो सीरियल बंद हो गई, पता नहीं लोग कहते कि अंधविश्वास दिखाते हैं। एक कॉमन चीज बताऊं, जो महाकाल का मंदिर है वो क्या, वो उज्जैन में, उज्जैन में कौन सी जगह है मंदिर, जिसमें शराब की रोज हजारों बोतल, महाकाल मंदिर, हाँ उसमें शराब वो महाकाल आगे पी जाता है, हाँ, तो वो आज तक साइंस वालों ने ये नहीं बताया कि कहाँ से महाकाल ये वो उसकी मूर्ति के सामने रखते हैं, धना धन एक से पी जाता है, तो ढेर की ढेर बोतल पी जाता है, तो कौन पी जाता है, कहाँ गायब हो जाती है, तो ऐसे जो सूक्ष्म बातें हैं, इतनी ऐसे कोई बताते हैं कि ऐसी अति सूक्ष्म बातें हैं कि ये जो इन आंखों से नहीं दिखती, मगर है रियलिटी। तो देखो अलौकिक जो जगत है, अलौकिक जगत को इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से तुम नहीं देख सकते, उनके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। जिस दिन एंसेंट एलियन वाले जो हिस्ट्री टीवी वालों ने ये बातें प्रूव कर दी तो बहुत मजा आ जाएगा, अभी पूरी दुनिया आपको खोदने लगेगी कि ये भारत पहले ही बोल रहे थे ये सब बातें। मगर हम जो बातें करना चाहते वो साइंस वाले अभी आएंगे, ऐसे कैमरे निकलेंगे, ऐसे वो उपग्रह बनाएंगे, पूरी दुनिया में धरती पर कितने भूत घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, और कहाँ किस किस के घर में देखे हैं, वो सब आएंगे देखेंगे, ऐसे साइंस निकलेंगे, स्पिरिचुअल साइंस बनेगा, साइंस स्पिरिचुअल साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या भौतिक साधन के अंदर मिक्स करेंगे वो, भौतिक आधा भौतिक आधा पारा भौतिक, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप कहते हैं हम उसको। तो बाबू जी लास्ट में अभी ये बात बोल दूं कि फिजिकल बॉडी में अगर इस दुनिया का कोई भी इंसान बोले कि मैं अभी एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहा हूं, तो उसके ऊपर बिलीव करे या ना करे। देखो फिजिकल बॉडी के अंदर कोई ट्रैवल कराने वाला हो, ओके, जैसे मैंने बोला कि तेरी दादी में जोगनी ले जाती थी, हाँ, तो उसको दूसरे जगत वालों की हेल्प हो, ऊपर की, ऊपर की हेल्प अगर मिले, कारण जगत से, कारण जगत से हेल्प मिले तो ये पॉसिबल। जैसे ऊपर वाला मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी मुझे खुद दिखाता है तो मुझे दिखता हूँ ना, मैं तो खरबों मल्टीवर्स देखता हूँ, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर नहीं देख सकता, मैं तो वो ऊपर वाला मुझे कुछ दिखाना चाहता है, मुझे मैसेज दिलवाना चाहता है, दुनिया को तू मैसेज दे कि क्यामत का दिन चल रहा है, ऐसा बोल तू, तो ये बुलवाना चाहता है, मेरे से कुछ करवाना चाहता है। तो ऐसे इस धरती के जैसे अवतार होते हैं, तो अवतारों में भी प्रवेश करा के कुछ काम होते हैं, जैसे महाअवतार होते हैं। ये वेबसाइट पे काफी नाम दिए थे जो हिंदू शास्त्र, मतलब हिंदू के धर्म गुरुदेव थे, योगानंदा वगैरह जो भी थे, उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। पर ये जो आपने जो ज्ञान दिया है बहुत यूनिक है, पूरे मल्टीपल यूनिवर्स को बदलने का, जो इनफाइनाइट, जो पैरा, जो क्या बोलते हैं, एक इतने यूनिवर्स, जो कि आपने बताया था ना कि एक के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स हैं, साइंस वाले कह रहे हैं, एम थ्योरी, अब तो वो बोलने लगे हैं, हमारे शास्त्रों में तो ये सब पहले से बातें थी, तो अब ये बदलने की बात है, इस दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा है, और ये आपने शुरुआत की है इस ज्ञान को देने की। तो हमारे श्रोता इसको आगे और भी वीडियो हमारे सुने, करीबन 200-250 वीडियो है, आप सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे दुनिया को इतना ही फायदा होगा, और ये हमारा ज्ञान जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा। परम शांति।